आज का हमारा पेपर सामाजिक विज्ञान का है, जिसमें आपको मिलेंगे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के वो 35 प्रश्न जिस प्रकार से आपका हूबहू पेपर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो ये है बच्चों चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। अगला है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, यानी जो सक्रिय रहता है उसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटेना, यानी यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? जल्दी से इसका कमेंट करिए, और अगर आप लगाते हैं तीसरा 0.03% तो आप उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1539 ई में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ये आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है उसे नोट कर लीजिए, यह युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, और अगर आप इसको लगाते हैं भोपाल तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का निर्माण होता है, जल्दी से देखिए, यानी किससे होता है? पवन द्वारा, जलप्रपातों द्वारा, नदियों द्वारा? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो इसका निर्माण होता है बच्चों नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? जल्दी से देखिए और इसका आंसर सही लगाइए, और अगर आप आंसर चुनते तीसरा छत्रक शिला तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न संख्या अगला, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाती है, यानी जिस पर वृक्षदार फल होते हैं उगाई जाती, उस उगाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, और अगर इसका आंसर आप लगाते हो चौथा उद्यान भूमि तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? जल्दी से बताइए, ये भी हमने प्रश्न कराया है, और अगर इसका आंसर लगाते हो मीर जाफर तो आप बिल्कुल सही है। अगला है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, तो जैन धर्म, सॉरी, ये जो अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी बाकी तो सब मिले हुए हैं, यानी ये आपके परमाणु जो भट्टियां कहाँ पे नहीं है इसका आपको उदाहरण छांट के लिखना है। रावतभाटा राजस्थान सही है, कल्पकम ये तमिलनाडु है, नरोरा उत्तर प्रदेश है, कहेगा जो उड़ीसा में नहीं है इसलिए ये यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहिन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये तो खैर सभी को पता होगा, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला है, अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? ये तो सभी को मालूम होगा, और अगर आप इसका सही आंसर लगाते हैं राजा टोडरमल तो आप बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, अधोलिखित में किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? ये प्रश्न पूछने का इसका है, तो ये नेपाल में बच्चों स्थित है, सभी को मालूम होगा। अगला है, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? ये भी अपने बहुत प्रचलित है, इसको बच्चों लू बोला जाता है। अगला है, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर सब लोग याद रखेंगे, ये थे हरिहर और बुक्का, यानी यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, और अगर इसका आप आंसर चुनते हैं डी कुतुबुद्दीन ऐबक तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है किसे?
तो ये जल्दी से बताइए। और इसका आंसर है बच्चों, वाराणसी से कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन 4 वाला उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? जल्दी से बताइए। और अगर इसका आंसर आप लोगों ढंग से याद हो तो 12 मार्च 1930, यानी ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर ऑप्शन के रूप में आप चुनते हैं बोध गया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? जल्दी से ऑप्शन कीजिए। और अगर इसका आंसर आप चुनते हैं बाबर तो आप बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां से कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे संविधान से। भारत का संविधान किसने तैयार किया? तो भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा ने तैयार किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया, विश्व छूट गया मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसको कुछ बच्चे बार बार गलत कर देते हैं, तो इसको जल्दी से कमेंट करिए। और अगर इसका आंसर आप चुनते हैं डॉक्टर बी राव अंबेडकर, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संविधान जनक है डॉक्टर बी राव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। तो ये 2010 में लागू हुआ। हमारे मूल अधिकार कितने, हर किताब के पृष्ठ पे आपके लिखे रहते हैं, तो मूल अधिकार की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मूल अधिकार पहले 7 थे और अब मूल अधिकार हमारे 6 हैं। अगला प्रश्न है, सातवां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में तो राष्ट्रपति होता है, तो आपको याद रखना है भारत की जो तीनों सेनाएं जल थल और नभ, इन सब का सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? ये भी प्रश्न सभी बच्चों को जो तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से उन्हें याद होगा, 1945। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, जो कि बदल के प्रयागराज उसका नाम हो गया है। तो परीक्षा में आपका अब प्रयागराज ही लिख करके आएगा। अगला है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, ये सभी, लेकिन भोजपुरी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके साथ और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, अक्टूबर 2005। तो कुल मिला के ये हमारे 35 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो हम प्रतिदिन बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।